जहां एक ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए एंटी भूमाफिया टीम का गठन कर भूमाफियाओं पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है, तो वहीं उन्नाव जनपद के कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र में भूमाफियाओं के आगे पुलिस बोनी साबित हो रही है। आपको बता दें, उन्नाव जनपद की कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र के मजरा पीपल खेड़ा गैर अहत माली में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम खेलावन निषाद की जमीन है, जिस पर एक सप्ताह पहले भू माफिया दिनेश चंद्र अग्निहोत्री व विमल गुप्ता राकेश व मनोज आदि रात के अंधेरे में क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से भरा दी थी नींव और जिला अध्यक्ष सहित अधिकारियों को फोन पर गालियां देते हुए जान से मारने की दे डाली थी धमकी, जिसका वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से नाराज निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम खेलावन निषाद ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव आनंद कुलकर्णी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में खुद उप जिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग द्वारा जमीन का निशानदेही कराने के बाद भी भू माफिया कर रहे गुंडे, जिला अध्यक्ष सहित अधिकारियों को फोन पर गालियों जान से मारने की धमकी देने वाले भू माफियाओं पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी गंगाघाट पुलिस नहीं कर सकी कोई कार्रवाई, जिस पर जिला अध्यक्ष ने भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखकर गिरफ्तार करने की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने का गंगाघाट पुलिस को दिया आदेश और राजस्व विभाग द्वारा निशानदेही का लिखित कागज होने पर पुलिस बल की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष को अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल कराकर सुरक्षित रखने का गंगाघाट पुलिस को दिया आदेश। उसके बाद भी गंगाघाट पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। अब देखना यह होगा, उन्नाव जनपद की पुलिस अधिकारियों को अपने पैर की जूती समझने वाले भूमाफियाओं को क्या कर पाएगी गिरफ्तार, या विकास दुबे की तरह प्राप्त है इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण, क्या सफेद पोस्ट के आगे मजबूर होगी खाकी, या तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक योगी सरकार के मंसूबों को कर पाएंगे साकार। राम खिलावन जी, एसपी ऑफिस में आज किस चीज का ज्ञापन देने आए आप? ये हमारे उन्नाव जनपद के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मजरा पीपर खेड़ा गैर अहत माली में जमीन है, जिससे जिस पर भू माफिया कब्जा करना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले भू माफियाओं ने वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है से मिल करके रात के अंधेरे में हमारी जमीन पर अवैध रूप से नींव भरा दी, जिसके अवैध में हमने गंगाघाट थाने में ज्ञापन दिया था। थाना दिवसा अधिकारी एसडीएम सदर मौके पर मौजूद थे, जो खुद मौके पर जा करके जमीन में जो राजस्व विभाग द्वारा चिन्हांकन करके दी गई थी उसको उस पर चिन्हांकन करके रिपोर्ट लगाई थी दिया, और भू माफिया जो उपद्रव कर रहे थे उनको जेल भी भेजा था, लेकिन उसके बाद भी भू माफिया वहाँ सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के बस महसूस होता है कि गंगाघाट पुलिस भू माफियाओं पर कार्रवाई करने से बचती नज़र आ रही है। भू माफिया द्वारा भी जल्द ही आपका कुछ सुना होगा कि आडियो एक वायरल हुआ था, जिस पर हमको और अधिकारियों को गाली देता हुआ भू माफिया दिनेश चंद्र अग्निहोत्री दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस पर मुकदमा लिख करके उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। उसी को लेकर के हम जिला यहाँ पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हमारी जब चिन्हांकित हो गई, हमारे नाम खतौनी है, हम उस ज़मीन का बाउंड्री वॉल करा करके अपनी ज़मीन को सुरक्षित करना चाहते हैं, जिससे भू माफिया दोबारा कब्जा न कर सकें। उसके लिए हमें पुलिस बल की आवश्यकता है, अगर पुलिस बल नहीं जाता है, हम बाउंड्री वॉल कराते हैं, भू माफिया इतना दबंग है कि पुलिस से नहीं डर रहे हैं, अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, तो कोई भी घटना कर सकते हैं। अगर कोई घटना होती इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आप तो निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार भी हैं सत्ता में, तो ऐसे में क्या आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है? जी, अभी तक तो यही महसूस हो रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक जी से आज मिले, उन्होंने तत्काल तुरंत गंगाघाट एसओ को फ़ोन करके कहा कि अगर लिखित में राजस्व विभाग टीम द्वारा दिया गया है, इनकी ज़मीन है, तो वो पुलिस मौजूदगी में घेराबंदी उसकी करा दी जाए, कोई भी दबंग आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख कर उसको जेल भेजा जाए। हम पुलिस अधीक्षक जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारा बीजेपी से गठबंधन है, उसको कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक जी ने जो है फ़ोन करके कहा है। अब देखना ये होगा कि क्षेत्रीय गंगाघाट पुलिस अधीक्षक के आदेश का कितना पालन करती है। अगर हमारी जमीन सुरक्षित हो जाती है तो फिर हम पुनः धन्यवाद देंगे पुलिस अधीक्षक जी को, और जो बीजेपी से हमारा गठबंधन है, हम योगी जी को भी धन्यवाद देंगे कि हमारा गठबंधन जो है बीजेपी से उसका अधिकारी पालन कर रहे हैं। अच्छा।